चीमापुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। एक दिन वो कॉलेज से आ रही होती है, तभी उसे रोड साइड पर एक मोमो स्टॉल दिखता है। उस स्टॉल पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत बैठी होती है। अरे वाह, चलो आज मोमोज ही खा लेती हूँ। आंटी, फुल प्लेट मोमोज कितने के हैं? मोमोज वाली रिया को घूर घूर कर देखने लगती है और कहती है, 40 के फुल, 20 के हाफ। ये मोमो वाली इतनी अजीब सा लुक क्यों दे रही है? खैर मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब है, कौन सा मुझे इसे लेकर घर जाना है। एक प्लेट लगा दो। मोमोज वाली रिया को मोमोज देती है। अरे आंटी, ये मोमोज की शेप कैसी है? बड़ी फनी शेप है, आपने नया नया काम चालू किया है क्या? हाँ। मोमो वाली कोई एक्सप्रेशन नहीं देती और रिया को एकटक देखती रहती है। ये बर्ताव रिया को बहुत अजीब लगता है। वो अब कुछ संकोच कर रही थी। फिर रिया मोमो खाने पर कॉन्सेंट्रेट करने लगती है। वो दो तीन मोमोज ही खा पाती है कि खाओ खाओ, चाव से खाओ, पता नहीं फिर कब खा पाओगी, और रिया को घूरने लगती है। अब रिया को मोमोज वाली के बर्ताव से डर लगने लगा था। रिया मोमोज वाली को 50 का नोट देती है पैसे कटवाने के लिए। लो आंटी, पैसे काट लो। मोमोज तो पूरे खाओ पहले, पैसे भी काट लूंगी। नहीं नहीं आंटी, घर के लिए देर हो रही है मुझे, आप ये लो पूरे पैसे रख लो, मैं चलती हूँ। रिया वो नोट वहीं स्टॉल पर रख कर मोमोज वाली से नजरें चुराते हुए आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे चलने पर रिया पीछे पलट कर देखती है तो वो मोमोज वाली अपने चुड़ैल रूप में रिया को घूर रही थी। ये देखकर रिया बहुत डर जाती है। रिया जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगती है। वो रोड क्रॉस कर ही रही होती है कि सामने से एक ट्रक तेज स्पीड में आता है। जब तक रिया खुद को बचा पाती, ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रिया खून से लथपथ रोड पर पड़ी होती है, जिसे देखकर वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे कितना खून बह रहा है इस लड़की का, कोई इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। भला इन पुलिस के झमेले में कौन पड़ेगा? है भाई, एक्सीडेंट केस है, बार बार थाने कौन जाएगा अपना काम छोड़ छाड़ के। मोमोज वाली भीड़ को साइड करते आगे आती है और रिया को खून से लथपथ देख जोर जोर से हंसने लगती है। अरे पागल हो गई है क्या, किसी को ऐसे देखकर कौन हंसता है? तो ले जा हॉस्पिटल उसे, इतनी चिंता हो रही है तो खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है, कहकर वो अपने स्टॉल पर चली जाती है। बड़ी बदतमीज औरत है ये, भला ऐसे कौन बात करता है। फिर भीड़ से एक लड़का पुलिस को फोन करता है। पुलिस आकर रिया को हॉस्पिटल ले जाती है और उसके घर पर भी इन्फॉर्म कर देती है। वो मोमोज वाली अभी भी उस औरत को घूर घूर कर देख रही होती है। इतनी गर्मी हो रही है, भूख भी लग रही है, क्या करूं, मोमोज ही खा लूं क्या? फिर औरत मोमोज वाली पर जाती है। ए मोमोज वाली, हाफ प्लेट मोमोज लगा दे। मोमोज वाली उसे मोमोज देने लगती है पर घूरना बंद नहीं करती। क्यूरी, मैं कब से तुझे देख रही हूँ, तू मुझे घूरे जा रही है? मेरी सुंदरता पर नजर लगाएगी क्या? खुद तो है ही बदसूरत, मुझे भी नजर मारना चाहती है। चुपचाप मोमोज बेच अपने। मोमोज वाली ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है पर कुछ कहती नहीं है। वो औरत मोमोज खाकर अपने घर जाने लगती है। तभी मोमोज वाली चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उसके घर का रास्ता देख लेती है। रात को, पता है आज दिन में मेरा पाला एक बड़ी अजीब सी औरत से पड़ा, वो मुझे घूर ही जा रही थी। ओहो, तुम्हारी सुंदरता से जल रही होगी बेचारी, अब क्या करे, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। अरे बस जी, रहने दो तुम, तुम्हें तो बस मौका चाहिए मुझसे फ्लर्ट करने का। आधी उम्र निकल गई पर जवानी नहीं गई अभी तक। वे दोनों हंसने लगते हैं। मोमोज वाली चुड़ैल गली के खंभे पर बैठकर उन दोनों को देख रही होती है। तभी एकाएक पति की नजर गली वाले खंभे पर जाती है, पर तब तक वो चुड़ैल वहाँ से हट जाती है। अरे ये उस खंभे के बल्ब को क्या हो गया, कभी जल रहा है कभी बंद हो रहा है। अगर रात को बंद पड़ गया तो अंधेरा हो जाएगा गली में, और ऐसे तो चोर चक्कों के घुसने का भी डर है। चलो देख कर आते हैं फिर, और क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। वे दोनों गली में लाइट वाले खंभे के पास पहुँचे थे कि वो लाइट का खंभा टूट कर उस औरत के ऊपर गिर पड़ता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई है, अरे कोई मेरी बीवी को बचाओ। अरे ये कैसी अनहोनी हो गई, बचाओ मेरी बीवी को कोई, अरे कोई बचाओ मेरी बीवी को, इस खंभे के नीचे से निकालो। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और रामा को निकालने में मदद करते हैं, और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रामा बेहोश होती है और उसके सिर पर कुछ चोट आई होती है। उसी हॉस्पिटल में रिया भी एडमिट होती है। दो दिन तक उन दोनों का इलाज चलता है। अचानक ही उस हॉस्पिटल में ऐसे हादसे वाले कई केसेस आने लगे। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये हादसे कैसे हो रहे थे, और ये हादसे ही थे या कोई और वजह थी इनके पीछे। हफ्ते भर बाद रिया को होश आता है। अरे मेरी बच्ची ने आंखें खोल ली। अरे रिया के पापा सुनते हो, देखो रिया को होश आ गया।
डॉक्टर को बुलाओ। रिया के पापा भागे भागे डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। डॉक्टर पुलिस को लेकर रिया का बयान देने अंदर आते हैं। तो बेटा बताओ उस दिन जो भी हुआ था तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? रिया अभी भी काफी डरी हुई होती है। डर के मारे उसे उस हादसे को याद करने में भी दिक्कत हो रही थी। बार बार रिया के ख्यालों में उस मोमो वाली की शक्ल आ रही थी। रिया पुलिस को बयान दे ही रही होती है कि कुछ अजीब भयानक सी आहट होती है वहाँ। रिया को वार्ड के गेट के शीशे पर मोमो वाली की शक्ल दिखती है, पर इस बार वो शक्ल औरत की नहीं बल्कि एक चुड़ैल की होती है। रिया डर से चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ उंगली करके इशारा करती है। देखो इस लड़की की हरकतें, हॉस्पिटल में पड़ी है, ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही, अभी भी मोमोज याद है इसे। ये भी कोई मोमोज खाने का समय है, ठीक हो जा पहले। नहीं नहीं वो चुड़ैल की शक्ल लगातार रिया को घूरे जा रही थी। डर के मारे बयान बीच में ही छोड़ रिया वापस बेहोश हो जाती है। आखिर रिया कहना क्या चाहती थी? वो नजरें घुमाकर शीशे की तरफ देखते हैं, पर वहाँ भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता, पर वो चुड़ैल अभी भी रिया को घूरे ही जा रही थी। तुम यहीं रुको रिया के पास, मैं घर जाके कुछ फल और खाना ले आता हूँ। कहकर रिया के पापा घर जाते हैं और जरूरत का सामान लेकर हॉस्पिटल की तरफ आ ही रहे होते हैं कि उनकी नज़र उसी मोमो स्टॉल पर जाती है। वो देखते हैं कि जो भी लोग वहाँ मोमोज खा रहे थे, मोमो वाली उन्हें अजीब तरीके से घूर रही थी। ये बात उन्हें बहुत खटकती है, पर उसे नजरअंदाज करके वो फटाफट हॉस्पिटल आ जाते हैं। ये लीजिए रिया के लिए कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन बाहर से लाने होंगे, अब यही रास्ता है रिया को होश में लाने का। कुछ भी कीजिए, आप बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। कहकर रिया के पापा नीचे मेडिसिन वार्ड में आते हैं। वहाँ वो एक पेशेंट को देखते हैं जिसे तुरंत आईसीयू में ले जाए जाने की तैयारी की जा रही थी। अरे ये तो वही है जिसे मैंने कुछ देर पहले मोमोज स्टॉल पर मोमो खाते देखा था। तभी उसके ख्यालों में मोमोज वाली का चेहरा आता है। और वो मोमोज वाली भी तो बड़ी अजीब थी, मोमोज खाते हुए लोगों को ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। अब उन्हें कुछ शक होने लगता है। और रिया भी तो मोमो खा रही थी। देखा जाए तो जिस रास्ते पर मोमो स्टॉल है वही रोड रिया के कॉलेज को भी जाता है। अब रिया के पापा के दिमाग में ये गुत्थी सुलझने लगती है। वो डॉक्टर का मंगवाया सामान लेकर जाते हैं। डॉक्टर रिया को इंजेक्शन देते हैं और कुछ घंटों में उसे होश भी आ जाता है। रिया अच्छा एक बात बताओ, उस दिन रोड वाले मोमोज स्टॉल से क्या तुमने मोमोज खाए थे? हाँ पापा खाए थे, पर उस औरत की नजरें अजीब थी। फिर रिया के पापा वहाँ आए हुए बाकी पेशेंट के घर वालों से बात करते हैं और सबका जवाब एक ही पाते हैं। अब वो बेचैन होने लगते हैं। अब मुझे समझ आ गया सब कुछ क्या और कैसे हो रहा है। वो वापस मोमो स्टॉल पर जाते हैं, उस औरत को थोड़ी दूर से छुप कर देखते हैं। सारे ग्राहकों के जाने के बाद वो मोमोज वाली एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। हर दिन शिकार बनोगे तुम लोग। या तो मरोगे ही या मोमोज खाना ही भूल जाओगे। मोमोज क्या है दुनिया में, तहलका ही आ गया हो। अब खाओ मोमोज। ये देखकर तो मानो रिया के पापा के होश खो जाते हैं। मतलब मेरी बेटी ने एक चुड़ैल के मोमोज खाए थे, और जितने भी लोग आजकल हादसे में मर रहे हैं वे सब भी मोमोज वाली चुड़ैल के हाथ के मोमोज खा के हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। रिया के पापा उन पेशेंट्स के घर वालों को इकट्ठा करते हैं और पुलिस के साथ बैठकर सारी बातें बताते हैं। वे लोग डंडा लेकर उस जगह जाते हैं। चुड़ैल अब तेरा असली रूप हमारे सामने आ चुका है, तेरे काले जादू वाले मोमोज खाकर हमारे घर वाले इस हालत में हैं। आज तो तू नहीं बचेगी। है? तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जाओ जाकर अपने घर वालों को बचाओ जो मौत के मुंह में झूल रहे हैं। ये सुनकर वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और डंडों से उसका स्टॉल तोड़ देते हैं और उसे भी पीटना शुरू कर देते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाते हुए वो मोमोज वाली चुड़ैल उड़ते उड़ते दूर जाने लगती है। आज तो जा रही हूँ मैं, पर एक दिन वापस जरूर आऊंगी।